2019 में महात्मा ज्योतिबा फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना का कर्ज माफी नहीं होने से कर्ज से मुक्ति पाने के लिए खड़गांव के किसान दिलीप ठाकरे बैंक के चक्कर काट रहे हैं। ठाकरे ने बैंक ऑफ इंडिया से 75,000 रुपयों का कर्ज लिया। राज्य सरकार ने 1.5 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन दिलीप ठाकरे का कर्ज अब तक माफ क्यों नहीं हुआ? यह सवाल ठाकरे ने कई बार बैंक मैनेजर को किया। आखिर ठाकरे ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, विधायक समीर मेघे को पत्र देकर कर्ज माफ करने की मांग की। फडणवीस ने इसे गंभीरता से लेकर तुरंत 21 दिसंबर 2021 को सहकार मंत्री बाला साहेब पाटिल को पत्र देकर उचित कार्रवाई के लिए कहा। विधायक समीर मेघे ने भी सहकार विभाग के सचिव को 20 दिसंबर 2021 को पत्र लिखकर किसान दिलीप ठाकरे का कर्ज माफ करने की मांग की। जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था को भी किसान ठाकरे ने कर्ज माफी नहीं होने की जानकारी दी, लेकिन एक साल होने के बावजूद भी इस मामले पर किसी ने कार्रवाई नहीं की, ना ही कर्ज माफ किया। आखिर ठाकरे की कर्ज माफी क्यों नहीं हो रही? यह सवाल किसान ठाकरे ने वाड़ी में पत्रकार परिषद दौरान किया। साथ ही सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कर्ज माफी करें, अन्यथा बैंक के सामने अनशन करने की चेतावनी भी ठाकरे ने दी है। बीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। 1516 मी बँक ऑफ इंडिया डेव्हलपमेंट शाखा याच्यातून 75,000 रुपये कर्ज घेतलेले होते, परंतु शासनाची कर्ज माफ होण्याची किमान मर्यादा 1.5 लाखापर्यंत होती। अजून मी माझं 75,000 रुपये कर्ज माफ झालं नाही। मी याचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं, आपले कृषी मंत्री भुसे साहेबाला पाठवलं, कलेक्टर मॅडमला दिलं, मेघे साहेबाला माननीय हिंगणा विधानसभेचे आमदार मेघे साहेबाला दिलं, विरोधी पक्षांनी देवेंद्रभाऊ फडणवीसला दिलं। शेतकऱ्यावर अन्याय होत आहे, तरी आपण संपूर्ण शेतकऱ्याचा कर्जमाफीचा विचार करावा, हीच माझी विनंती आहे। आणि कर्जमाफी झाली नाही तर आत्महत्या करण्याची वेळ आयुष्यावर राहणार नाही। हे 1516 मधलं कर्ज बँक ऑफ इंडियाचं आहे।